तो देखो, वी हैव आवर रेफरेंस, तो फ्री हैंड ड्रॉ करना है। अब ऐसा नहीं कि एकदम पेज के टॉप से स्टार्ट करो, थोड़ा गैप छोड़ना, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ आईब्राउज ऑल्सो। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। अब देखो, यहां से लेके यहां तक इट्स अ सिंगल कर्व डाउनवर्ड फेसिंग, और फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यू हैव टू डू द सेम। देखो अभी स्टार्टिंग में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लेंथ। इफ यू आर डूइंग दिस मच फुल पेज छोटा सा, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन फ्लो बनाओ पहले आई के शेप का, बिकॉज यू कैन सी एक सेम लेवल पे है ये। तो जैसे ये सेम लेवल पे आए, देन ऊपर की तरफ ऐसे लाइक टिक। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट देखो, पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला, दिस वेयर इट इज एंडिंग। अब टिप पे आते हैं। सो टिप इज व्हाट, जस्ट अ यू शेप लाइक दिस एंड देन कर्व। ओके, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसे थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जस्ट लाइक दिस, और फिर उसे नीचे कर्व किया। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि जो विथ है, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन द लेंथ। ऐसा नहीं कि योर क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा विथ बना रहे हो, यू ड्राइंग मोर देन रिक्वायर्ड। नहीं, कितना है, थोड़ा सा ही नीचे जा रहा है, इसे भी थोड़ा सा ही नीचे जाना चाहिए। ओके, ये कर्व हुआ एंड देन इट इज जॉइनिंग हियर। ओके, तो ये बेसिक शेप बना। यू कैन इरेज दिस पोर्शन एंड देन कर्व इट मोर प्रॉपरली लाइक दिस। दिस इज योर आई शेप। रिमेंबर, टिप अच्छे से ड्रॉ करना है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ The iris. Iris is not a circle. ठीक है, एक सेमी सर्किल है लाइक दिस, एंड इट इज नॉट टचिंग द बॉटम पार्ट ऑफ द आई, इट इज जस्ट लाइक दिस। ओके, देन प्यूपिल, प्यूपिल ऊपर की तरफ। वन मोर थिंग रिमेनिंग, कि जो नीचे का जो एरिया है, जैसे ये, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहां से टिप है। ठीक है, बहुत स्लाइटली, इसे लाइटली बनाना, एंड देन हियर यू जॉइन इट। ओके, सो दिस इज द बेसिक शेप ऑफ आई। पहले इतना ड्रॉ कर लूं। सो आईज के ऊपर वी हैव अ कर्व, देखो कैसा है, इट इज फ्लैट हियर, आगे जाते जाते इट इज slightly curved like this, और पीछे जाते जाते it is slightly curved like this. Okay, so there you go. ये अपनी eyes वाला portion हो गया। Eyebrows draw करने हैं। देखो eyebrows बहुत lightly draw करने, क्योंकि eyebrows की ऐसी कोई definite outline नहीं होती है। इससे थोड़ा सा ऊपर है, and it is going like यहां से ऊपर तक, and then it is horizontal. तो यहां से like इसी के ऊपर है, directly above this, so it will go diagonally here and then horizontal. Remember the width, the length of the eyebrow is just slightly more than the length of the eye. तो इस चीज का ध्यान रखना. Then you can take the measurement like let's say it is around 1.2 centimeter eyebrows ki jo width hai, so slightly you have to do the same. Itna straight gaye, then we'll join to the end of this. You can see maine bahut lightly draw kiya hai, ki outline nahi aisi koi aa rahi hai. Okay, so this will be your eyes ki basic shape. Do one more thing, yahan halka sa jaise ye jo curve aa raha hai, draw this curve very lightly. Okay, so इतना draw करो, ठीक है? So just follow me. HB pencil मैंने इस तरीके से sharp कर रखी है, so that more lead is exposed. इसके benefits क्या है? So instead of sharpening after every 1 or 2 minutes of shading, it is long lasting.
ठीक है, और एक लिमिट रहती है, इट कीप्स यू अंडर अ सर्टेन लिमिट कि हाउ मच प्रेशर यू कैन अप्लाई ऑन अ सर्टेन पेंसिल. मैं अगर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा द निप विल ब्रेक. ओके, सो इट टेल्स मी द लिमिट ऑफ द पेंसिल. तो इट इज एच बी पेंसिल फर्स्ट लेयर. सो वॉट यू हैव टू डू, कैसे पीछे पकड़ो लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन रेंडम डायरेक्शन शेड इट लाइक दिस. फर्स्ट आईब्राउज, ओके, यू कैन सी द मूवमेंट, वर्टिकल डायगोनल लाइन, इट इज ओवल इन शेप. ओके, और इंस्टेड ऑफ मूविंग वेरी फास्ट मैं उस एरिया को कंप्लीटली फिल कर रहा हूं फर्स्ट लाइक दिस. ओके, सेम आई एम गोइंग टू डू थोड़ा बाहर की तरफ लाइक दिस, अबव द आई. देखो मेरी और तुम्हारी स्पीड में देयर कैन बी अ बिट डिफरेंस. ओके, तुम अपने पेस पे करो. इफ यू आर एबल टू डू इट स्लोली, डू इट स्लोली. ओके, फास्ट हो रहा है कोई परेशानी नहीं, बट स्मूथली होना चाहिए. ओके, टिल हियर, बहुत आगे तक नहीं ले जाना है, टिल हियर. आईज के नीचे यू जस्ट हैव टू डू इट इन दिस पोर्शन ओनली, जो मैंने कर्व करवाया था. ओके, तो कैसे करोगे तुम, वही अपनी ओवल शेडिंग करते हुए आए. द बेनिफिट ऑफ द सर्कुलर शेडिंग मेथड इज कि इवनली स्प्रेड होता है. ओके, और स्मूथ शेडिंग आती है लाइक दिस. सो दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट वी डिड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टेक योर ब्रश और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाते हैं लाइक आईज के ऊपर लाइक दिस. ओके, आईब्रोज में इन द शेप ऑफ आईब्रो. आईज के नीचे इस तरीके से चलाया और थोड़ा नीचे लाओ, नॉट इन जस्ट दिस एरिया, इसके थोड़ा नीचे भी लाओ लाइक दिस. ओके, आईज के थोड़े फ्रंट में सर्कुलर चलाओ, आईज के थोड़ा नीचे सर्कुलर चलाओ, आईज के थोड़ा पीछे, सो दैट इट इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट. ओके, बगल में देख सकते हो एग्जाम्पल, थोड़े बाहर बाहर की तरफ भी है लाइक इसमें मैंने सिर्फ यहां तक शेड किया था. ये जो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट रहता है, दिस इज द एक्स्ट्रा ग्रेफाइट दैट इज ऑन द ब्रश. ठीक है, तो इतना शेड और ब्लेंड कर लो फर्स्ट. नाउ वी यूज अ 4B पेंसिल. ओके, सो देखो जैसे इसके ऊपर यू कैन सी दिस डार्क एरियाज, ये लाइट है अगेन डार्क, सो इसमें भी यू कैन सी दिस लाइट एरिया, द डार्क पोर्शन, आईज के नीचे डार्क पोर्शन. ओके, सो यू हैव टू शेड दीज ओनली. अब कौन सा पोर्शन आता है फर्स्ट, जो अपनी कर्व था ये आईज के ऊपर वाला, इसे डार्क करो थोड़ा. देन इसके और आईब्राउज के बीच वाला पोर्शन, नॉट द आईब्राउज बट बिटवीन द आईब्राउज. ओके, दिस पोर्शन. सो बहुत आराम आराम से डू इट लाइक दिस. इसके ऊपर ऊपर ही रखना, डार्क टू लाइट रिमेम्बर मैंने कराया था. यू हैव टू डू द सेम थिंग. ओके, यहाँ स्टार्ट विद डार्क, ऊपर जाते आते इट विल गो लाइट. ओके, स्टार्ट विद डार्क, ऊपर जाते जाते इट विल बी लाइट. ओके, डार्क शुड बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन, लाइट शुड बी अ लार्जर पोर्शन लाइक दिस. ओके, सेम यू हैव टू डू नीचे की तरफ लाइक दिस, हाथ को इस तरीके से चलाना. ठीक है, आईज के नीचे लाइक दिस पोर्शन, इट शुड बी डार्क टू लाइट अगेन, लाइक कर्व करो डार्क, नीचे आते आते इट विल बी लाइट. ओके, लाइक दिस. अब देखो देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ टोन, लाइट टोन, मिड टोन एंड डार्क टोन. ये अपन ने मिड टोन्स यूज की हैं. नाउ इन दिस पोर्शन, ओके, विच पोर्शन, यहां लाइट मिड टोन्स यूज करना, सॉरी लाइट टोन्स, अभी तक मिड टोन्स यूज कर रहे थे, नाउ यूज लाइट, वेरी लाइटली यू हैव टू शेड 4B ऑन दिस पोर्शन, वेरी लाइटली. ओके, नाउ अब एक बात ध्यान रखना, आफ्टर शेडिंग द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज ब्लेंडिंग. तुम्हें शेप मेंटेन करके रखना है,
लाइक दिस इज द डार्क पोर्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लेंड करो सो दैट इट बिकम्स डार्क लाइक दिस। अब इसके धीरे धीरे ब्लेंड करते करते ऊपर मूव करो सो दैट द फोरबी कैन स्प्रेड नियर द टिप आईज के ऊपर, फिर इसके नीचे नीचे। ओके ये डार्क पोर्शन था, तो यहां थोड़े प्रेशर के साथ करो। ओके देन अगेन स्प्रेड इट आउट लाइक दिस। आई नो इट डजंट लुक गुड नाउ बट इट विल लुक गुड। जो ये आईज के ऊपर का कवर था विच वॉज लाइक दिस, इसे दोबारा डार्क कर लो एंड आईज के नीचे वाला कर्व जो था लाइक दिस। ओके डार्कन इट, सो दिस इज योर सेकेंड लेयर। सो टेक आउट योर 10B पेंसिल, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इन 10B पेंसिल इज एक मिनट फॉर लाइट, या lightly draw the outline of the eye like this. और पीछे की तरफ जो eyebrow eyelash जा रहा है like this. Okay, very lightly. Now fill this pupil. Okay, fill it properly. और ऐसे blending stump या cotton bud की मदद से इस तरीके से blend करो। ब्लेंड करते करते फुल्ली आयरिस में थोड़ा ग्रेफाइट फैला दो लाइक दिस। ओके नाउ आई डिड दैट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आईज की जो आउटलाइन है आयरिस की शेडेड, ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूं आई एम शेडिंग इट लाइक दिस। ओके सर धीरे धीरे शेड करो, ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा शेड करो लाइक दिस वेरी लाइटली एंड देन अगेन ब्लेंड इट। ओके सो ये इजी पोर्शन था। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज वॉच केयरफुली आईज में, यू कैन सी सम डिटेलिंग। सो छोटे छोटे स्ट्रोक्स जो मैंने बताए थे small strokes like this you have to do like 1 2 3 ek upar ki taraf one large one, okay then 1 2 3 4 5 one large one, 1 2 3 4 5 one large one like this, okay 1 2 3 4 5 one large one, to beech beech mein thoda gap aa raha hai and niche niche ki taraf it is dark, so 1 2 3 large something like this, okay so continuously ye upar tak karo 1 2 3, ओके लार्जली इस तरीके से किया स्लाइटली ऊपर से लाइक प्यूपिल के एरिया से। आई नो कि कैमरा में इट इज नॉट विजिबल वेरी वेल बट एक आइडिया समझो। ओके एंड ब्लेंड इट ऑल्सो, ब्लेंड इट प्रॉपरली कि ये थोड़ा अच्छे से लाइक दिस बहुत लाइटली, सो एक बेसिक शेड तैयार हो जाता है। ओके तो देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है आईब्रोज को ड्रॉ करना, बस क्या है व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक इन सेंटर मैकेनिकल से ड्रॉ कर रहा हूं बहुत लाइटली। ओके डार्क नहीं ड्रॉ करनी, दिस इज नॉट अ फेयर लेयर। ओके फेयर लेयर होगी विद 10B और यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ एवरी सिंगल हेयर लाइक जस्ट फॉर रेफरेंस कि यहाँ पे ठीक है देन हेयर इट विल बी लाइक दिस। नीचे की तरफ I told you कि डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता बट फर्स्ट इट विल कम डाउन एंड देन इट विल गो अप लाइक दिस। ओके नाउ ऑन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन लाइक अ पेयर ऑफ थ्री लाइक 1 2 and 3। ओके फिर नीचे की तरफ देन अगेन इट विल बी लॉन्गर अ सिंगल वन गोइंग लाइक दिस, पीछे की तरफ समथिंग लाइक दिस। ओके यू विल हैव दिस एरिया, ये तो एरिया दिख रहा है मैंने प्रैक्टिस में बताया था। ओके यू हैव टू शेड इट एरिया, ये एरिया जस्ट शेड इट अ लिटिल बिट।
लाइक दिस. ओके, जो एरिया शेड किया है ना, ब्लेंड दैट एरिया प्रॉपरली, उस एरिया को अच्छे से ब्लेंड करो लाइक दिस. ओके, बेसिक अपर आईलैशेस लगाई है अपन ने. बेसिक लोअर आईलैशेस क्या होंगी? दैट विल बी इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हुए, लाइक बेसिक पीछे की तरफ दे विल बी लॉन्गर, इन फ्रंट दे विल बी शॉर्टर, लाइक सिंगल वन टू. ओके, टू क्रॉसिंग ईच अदर, सिंगल फिर वन टू, सिंगल समथिंग लाइक दिस. ओके, बेसिक्स है लाइक वन टू थ्री, वन टू थ्री. ओके, फिल नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ वन सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यहाँ पे इस तरीके से लगेंगे आईब्रोज. ओके, तो इतना करो. एनी डाउट एनीवन?